हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए बहुत ही सुंदर और ट्रेंडी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये थालपोश बनाना बहुत ही ईजी है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे येलो कलर लिया है। इस थालपोश में हमने तीन कलर यूज़ किए हैं, तो आप यहाँ पर 30-30 ग्राम तीनों कलर ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ऐसे हमने नोट लगा ली है। अब देखिए ऐसे हम फंदे को लंबा रखेंगे, धागे को पूरी तरह लूज रखना है। और इसे चार बार हम यहाँ पे ले लेंगे। ये देखिए चार फंदे हमने ले लिए हैं। ऐसे करके इनका एक कर देंगे, फिर यहाँ पे चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 की चेन हम यहाँ पे बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से ऐसे चार फंदे लेंगे, बिल्कुल लूज रखेंगे धागे को। 2 बार 3 4, 4 बार लिए हैं। सबका एक करेंगे, यहाँ पे चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 की चेन। इसी तरह हम एक एक पफ स्टिच बनाते जाएंगे और 4 की चेन हम बनाते जाएंगे। इस तरह टोटल 6 पफ स्टिच हम यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए 3 बन गए हैं। फिर से हम यहाँ पे 4 की चेन बनाएंगे और इसी तरह टोटल हम यहाँ पे 6 काउंट करके बना लेंगे। ये देखिए गाइस, हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। टोटल 6 हमने यहाँ पे पफ स्टिच बना लिए हैं। अब यहाँ पे हम ग्रीन कलर को ऐड कर लेते हैं। ग्रीन कलर को ऐड कर लिया है। और अब यहाँ पे देखिए हमें नेक्स्ट जो चेन हमने बनाई है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 की चेन बना लेंगे। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हमने 3-3 फंदे बनाने होंगे, तो 3 हमने बना लिए हैं। फिर 2 की चेन बनाएंगे। इसी चेन के अंदर फिर से हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया एंड 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह हर एक चेन के अंदर हम यहाँ पे 6-6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से बनाएंगे 2 की चेन। और जो ये नेक्स्ट चेन है हमारी वहाँ येलो कलर से, वहाँ पे भी हम ऐसे 6-6 फंदे बना लेंगे। पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 की चेन बना लेंगे और फिर सेम ऐसे 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया एंड 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह हम यहाँ पे पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए 6-6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इसको हम देखिए अब ऊपर की तरफ से लॉक करेंगे। 1 2, यहाँ ऊपर वहाँ ऐसे स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक और बनाएंगे, बिल्कुल हमें उस चेन तक जाना है जहाँ तक हमने ये चेन बनी हुई है। तो अब यहीं चेन से ही हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम रेड कलर ले लेते हैं। रेड कलर को यहाँ पे ऐड करेंगे। 2 की चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह यहाँ पे हम रेड कलर से टोटल 6 यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हमारी चेन रहेगी और 5 हमारे डबल क्रोशिया रहेंगे। टोटल 6 हम यहाँ पे रेड कलर से बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक चेन के अंदर हमने यहाँ पर 6 फंदे बना लिए हैं। फिर यहाँ पे बनाएंगे 1 चेन। और जो नेक्स्ट ग्रीन कलर की चेन है वहाँ पे भी सेम ऐसे ही हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 3 4 5 और 6, 6 फंदे हमने बना लिए हैं। 1 चेन और नेक्स्ट वाली चेन सब में इसी तरह सेम हम बना लेंगे। 6-6 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने रेड कलर से राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम 1 स्लिप स्टिच से इसको लॉक करेंगे। पहले यहाँ पे 1 चेन बना लेंगे, फिर यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ से यहाँ पे हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच जैसे। अब यहाँ पे हम फ्रेंड्स येलो कलर को ऐड करेंगे। ये
यहाँ पे बीच में चेन के हम वन सिंगल क्रोशे बनाएंगे पहले, फिर टू की चेन बना लेंगे। अब यहाँ पे येलो कलर से टोटल 8 डबल क्रोशे हम बनाएंगे, तो 7 हमारे डबल क्रोशे रहेंगे, 1 हमारी चेन रहेगी, तो इस तरह टोटल हमारे यहाँ पे फंदे बन जाएंगे। हर एक चेन के अंदर हम यहाँ पे येलो कलर से 8 फंदे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 हमने यहाँ पे येलो कलर से बनाया है। और जो नेक्स्ट चेन रहेगी वहाँ पर भी सेम ऐसे ही हम 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। बीच में हमें कोई भी चेन नहीं बनानी है, डायरेक्ट हमें यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया स्टार्ट कर देना है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे येलो कलर से राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ फिर से हम ग्रीन कलर को ऐड करेंगे। सबसे पहले इस राउंड को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। ऊपर से देखिए यहाँ पे जो फंदा है वहाँ पे हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। और यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम ग्रीन कलर को ऐड करेंगे। पहले हम 2 की चेन बनाएंगे, फिर अब यहाँ पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। जितने भी हमने येलो कलर से फंदे बनाए हैं सभी के ऊपर एक एक फंदा बना लेंगे। देखिए पूरा राउंड हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, ना ही कोई फंदा कम करना है। जितने हमारे फंदे हैं उनके ऊपर सभी के ऊपर एक एक फंदा हम यहाँ पे बना लेंगे। देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने ग्रीन कलर से राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ फिर से हम रेड कलर को ज्वाइन करेंगे। और रेड कलर से जैसे हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए थे वैसे ही सेम यहाँ पे बना लेंगे। पहले हम यहाँ पे रेड कलर को ज्वाइन कर लेते हैं। पहले हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, पीछे वाले धागे को अच्छे से टाइट कर लेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया और 2 चेन। तो अब यहाँ पे इसी में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने होंगे। देखिए पहले हमने एक चेन बना ली है और 5 यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह यहाँ पे हमारे टोटल 6 फंदे हो जाएंगे। छः फंदे हमने बना लिए हैं, 1 चेन। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 हम यहाँ पे स्किप करेंगे फंदे। और स्किप करने के बाद हम यहाँ पे सेम ऐसे ही 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ पे भी हमें पहले 1 डबल क्रोशिया बना लिया है, तो टोटल 6 यहीं पे हम बना लेंगे। इसी तरह फ्रेंड्स इस पूरे राउंड में हमें 6 फंदे बना लेने होंगे। और ग्रीन कलर से हम 5 फंदे स्किप करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने रेड कलर से राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ फिर से हम येलो कलर को ऐड करेंगे। और जैसे हमने येलो कलर से 8 डबल क्रोशिया बनाए थे सेम वैसे हम यहाँ पे बना लेंगे। पहले हम येलो कलर को ऐड करेंगे, पीछे वाले धागे को अच्छे से खींच के टाइट करेंगे। और यहाँ पे हम जो हमारी चेन है वहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब बनाएंगे 2 की चेन और फिर हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह टोटल 8 फंदे हमारे यहाँ पे बन जाएंगे।
ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 8 8 फंदे हमने बना लिए हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी चेन थी वहाँ पे सेम 8 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लेंगे। इसी तरह पूरा राउंड हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, 8 8 डबल क्रोशिया हरे चेन के अंदर हम यहाँ पे बना लेंगे, सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने बनाने होगी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने येलो कलर से राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब सेम देखिए जैसे यहाँ पे हमने ग्रीन कलर से बनाया है, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे ग्रीन कलर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। पहले हम यहाँ पे ग्रीन कलर को ऐड कर लेते हैं। फिर 2 की चेन और फिर 1 1 डबल क्रोशिया, जितने भी हमारे फंदे हैं सभी के ऊपर हम यहाँ पे एक एक फंदा बना लेंगे। आई होप फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सबको डिज़ाइन इजी समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इजी और लेटेस्ट डिज़ाइन लेकर आए हैं, जिससे कि जो बिगनर फ्रेंड्स हैं बहुत ईजी से इसको बना सकते हैं और ये बहुत ही कम समय में इसको बनाया जा सकता है। तो ये सिर्फ 3 राउंड का ही डिज़ाइन है, 3 राउंड ही बार बार रिपीट करके हमें जितना बड़ा थार पोश हमें बनाना है तो इन्हीं 3 राउंड को हम रिपीट करते जाएंगे। देखिए पहले हमने यहाँ पे रेड कलर बनाना है, फिर हमें येलो, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर येलो ग्रीन, इस तरह इन 3 राउंड को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे और जितना बड़ा भी हमें थार पोश का साइज बनाना है हम बना लेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई कम्प्लीट वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सबको ये डिज़ाइन कैसा लगा है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो नीचे नोटिफिकेशन वाला आइकन दिया गया है उसको भी जरूर ऑन करें। इससे जो भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड होगी आपके पास उसी टाइम उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कम्प्लीट वीडियो।